मुजफ्फरनगर के खतौली में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, विपक्ष दंगावादी और तमंचावादी, चुनाव में तमंचावादियों का सफाया तय है। सीएम योगी ने कहा दंगे के वक्त दो लड़के गायब थे, एक लड़का दिल्ली से देख रहा था, दूसरा दंगा करवा रहा था। सीएम योगी ने कहा 10 मार्च को हो जाएगी गर्मी शान, दो लड़कों का होगा इस बार पलायन। सीएम योगी ने कहा पहले लोगों का पलायन होता था, अब माफियाओं का पलायन हो रहा है, जनता को अवसरवादियों को दूर रखना चाहिए। कब्रिस्तान का जिक्र कर एसपी आरएलडी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, बोले हम अयोध्या काशी मथुरा का विकास करेंगे। सीएम योगी ने कहा यूपी में गुंडों के लिए डबल इंजन की सरकार खतरा, अब गुंडों के गले में दिखती है तख्ती। बिजनौर की जनसभा में गर्जे सीएम योगी, कहा पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते थे दंगे और पलायन, दंगों के कारण लगता था कर्फ्यू। सीएम योगी ने कहा पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज माफिया मांग रहे अपनी जान की भीख। सीएम योगी ने कहा 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर थी, पिछली सरकारों में नहीं हो रहा था विकास। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कोरोना वैक्सीन के खिलाफ किया दुष्प्रचार, टीके को मोदी वैक्सीन कहा गया। सहारनपुर में जी हिंदुस्तान से खास बातचीत में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा पहले चरण में ही बीजेपी का हो जाएगा सफाया, बीजेपी की हवा खराब इसलिए भाषा बदली। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा बाबा जी को आज के बारे में पता नहीं, बाबा जी दवाइयों के बारे में भी नहीं पता जानते। ओवैसी पर हमले के मामले में राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा दो आरोपी किए गए गिरफ्तार, हमले की जांच जारी। गृहमंत्री ने कहा ओवैसी के दौरे की नई थी जानकारी, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट ली है। ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, पहले भी सुरक्षा ऑफर की गई थी, उनसे सुरक्षा लेने की अपील। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली से यूपी के 18 जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा बीजेपी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। पीएम मोदी ने कहा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा नकली समाजवादियों को विकास से मतलब नहीं, वो अपनी और अपने करीबियों की प्यास बुझाते हैं। पीएम मोदी ने कहा यूपी में विकास का पानी ठहरा हुआ था, वो गरीबों का राशन चट कर जाते थे, सिर्फ अपनी तिजोरी भरते थे। पीएम मोदी ने कहा हमारा नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी विकास के लिए जाति धर्म नहीं देखती, योगी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। शाहजहांपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी सभा, कहा एसपी बीएसपी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राजनाथ सिंह ने कहा विपक्ष जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे में नफरत पैदा करता है, राजनीति इंसाफ और इंसानियत के आधार पर करनी चाहिए। बलिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की, ब्राह्मण वोटों को लेकर किया दावा, कहा ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, पार्टी को ही करेंगे वोट। पति स्वाति सिंह के सवाल पर भड़के दयाशंकर सिंह, पत्नी से विवाद का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टीम की ओर से एक नया गाना जारी किया गया, गाने के बोल हैं केशव मौर्य आएगा। एसपी के पूर्व सांसद रघुराज शाक्य ने ज्वाइन की बीजेपी, दर्जन भर समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई सदस्यता। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की 28 उम्मीदवारों की नई लिस्ट, अमेठी से आशीष शुक्ला, कुंडा से योगेश यादव, इसौली से बीएम यादव को टिकट। सहारनपुर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूपी में इस बार बह रही है बदलाव की हवा, यूपी से बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश ने कहा सहारनपुर की जनता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएगी, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाना है। अखिलेश यादव ने कहा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी। उत्तराखंड में पीएम मोदी की चुनावी सभा, सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून के लोगों से किया संवाद, कहा उत्तराखंड का सपना पूरा करने वाला चुनाव है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे ढकेला, ये लोग उत्तराखंड को लूटना चाहते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा जनता बीजेपी को चुनेगी, 60 पार का हमारा नारा होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, नड्डा ने बागेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बोले जेपी नड्डा, विचार के साथ जो समाज की सेवा कर रहा है वो है बीजेपी। उत्तराखंड के सीएम धामी जनसंपर्क अभियान में हुए शामिल, सीएम धामी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, कहा चुनाव जीते तो बेरोजगारों को 5,000 भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा।
हरिद्वार में केजरीवाल ने कहा दिल्ली जैसा विकास उत्तराखंड में करेंगे, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार होगा खत्म। पीएम मोदी के बाद पंजाब में अब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, लुधियाना में राहुल गांधी के काफिले पर फेंका गया झंडा, राहुल गांधी के मुंह पर लगा झंडा। झंडा लगने के बाद राहुल गांधी ने बंद किया कार का शीशा, सुनील जाखड़ चला रहे थे राहुल गांधी की कार, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फेंका झंडा। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जी मीडिया से बोले सीएम चन्नी, मैं और सिद्धू किसी रेस में नहीं थे, सभी की राय से मुझे चुना गया। पंजाब सीएम चन्नी ने कहा जमीनी स्तर से फीडबैक के बाद सीएम उम्मीदवार बनाया गया, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंजाब गलत हाथों में चला गया। पंजाब के सीएम चन्नी ने हिमाचल के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में पूजा की, चन्नी ने मंदिर में महादेव का भी लिया आशीर्वाद। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो वायरल, कहा अगर पंजाब कांग्रेस का प्रधान रहा तो अब किसी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। राज्यसभा में स्वर कोकिला, लता दीदी को दी गई श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की पैरोल, कड़ी सुरक्षा में रोहतक जेल से आया बाहर। अनुवल डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसेगी एनआईए, यूएपीए के तहत दर्ज किया गया केस, एनआईए के रडार पर डी कंपनी और दाऊद के कई गुर्ग। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के एक मकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।